हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि 16 अगस्त को, पिछले बीते 16 अगस्त को, 16 अगस्त 2020 को BEO की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो थे वो कंडक्ट कराए गए थे, यानी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। और उसके अगले ही दिन मैंने उसका एनालिसिस भी किया था, और फिर आप लोगों को जो जो क्वेश्चन पेपर थे उसका आंसर की भी बताई थी, उसको मैच भी कराया था, सारी चीज़ें हुई थी। और इसके अलावा फिर मैंने BEO की जो जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। जिन लोगों को वो वीडियो देना है, मैं उसका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो सीधा जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन में भी ऊपर आपको शो कर रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके सीधा वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उस वीडियो के बाद कुछ बच्चों ने मुझसे जो है ये रिक्वेस्ट करी कि सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है मुझे एक बार बताइए। तो शायद कुछ संशय रह गया होगा मन में, या फिर एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप लोगों की थोड़ी सी वो ईगरली आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपका भी नाम उसमें आए। तो उस सब चीज़ों के बीच में काफ़ी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, शायद इस वजह से आप लोगों ने ऐसे रिक्वेस्ट की है। हालांकि मैंने उसमें भी सुझाव दिया था, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर अलग से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। यदि अगर होगा कट ऑफ तो निश्चित रूप से बताया जाएगा। तो देखते हैं एनालिसिस करके एक बार। तो दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे छोटी सी देनी है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप UPPCS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, और अगर आप ये तैयारी करना चाहते हैं, जो कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन है जिसका 11 अक्टूबर को, तो उसके लिए सिलेक्शन मेंटर ने एक सफलता बैच शुरू किया जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। जुड़ने के लिए जो शर्त है वो है आपका एक अच्छा सा डेडिकेशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। डेडिकेटेड बंदे ही हमारे साथ जुड़ें तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो अब वो जुड़ने का प्रोसेस क्या है, जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और नाम के नीचे UPPCS 2020 लिख करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना है, आराम से जुड़ेंगे। बस बशर्ते कि आप यहाँ पर डेली आकर के पढ़ाई करें, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल है या लिंक है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, राइट। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहले हैं, जिन्होंने आज तक अभी चैनल विजिट नहीं किया, तो मैं उनसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, राइट। तो चलिए एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखने या कहने से पहले मैं आप लोगों को BEO का जो नोटिफिकेशन था पहले उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ रही है, तो नोटिफिकेशन की कुछ जरूरत पड़ेगी इस तरीके के एनालिसिस को करने के लिए, जिससे कि आपको एक प्रमाण मिल सके कि जो बातें कही जा रही हैं वो उचित हैं या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और किसी क्वेरी में आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, और इस एडवर्टीजमेंट नंबर में आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ खास तो है नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो सब लिखी हुई थी यहाँ पर। फिलहाल इस बात को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पे, तो हमको सबसे पहले पता चलती है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों, आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी है, 6309। इन सब का एनालिसिस में यूज होगा, इस वजह से इसको जो है ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो 309 वैकेंसीज यहाँ पर है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो आपको मालूम है कि बैचलर डिग्री यानी कि BEd जिन्होंने किया हुआ था, बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd जिन्होंने किया हुआ था, उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, या फिर इसके सिमिलर जो दूसरे लोग एलिजिबल थे उनको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए कहा गया था। एज लिमिट आपको मालूम है 40 वगैरह साल की थी, लेकिन इसका सबका एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। जिसका एनालिसिस से लेना है केवल वही चीज मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, उसको जरा गौर से आप देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 13 टाइम्स कैंडिडेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो यहां पर एक नोट करने वाली बात है, दैट इज ऑफ 13 टाइम्स यानी 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कहां पर बुलाया जाएगा, मेंस के एग्जामिनेशन में, जो लोग प्री क्वालिफाई। तो यहां पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इस चीज को पॉइंट कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए अच्छी तरीके से, कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उस प्रारंभिक परीक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यानी कि 309 का, आपको 13 गुना लोग बुलाए जाएंगे मेंस की परीक्षा में, राइट। तो ये जाकर के लगभग 4017 के आसपास हुआ, लगभग 4017 लोग जो है वो मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, कितने अपियर हुए थे, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। कितने कैंडिडेट थे, कितने एग्जामिनेशन देने आए थे,
एज यू सी कि आपको मालूम है कि 44% या 44 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो अपियर हुए थे, और मोर देन 55 और 56% जो लोग थे वो एबसेंट थे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि टोटल जो है उनके बुलाने की प्लानिंग इतने लोगों की ही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतने ही लोग होंगे तो शायद इतने लोगों को बुला लिया जाएगा एज पर कैटेगरी। लेकिन एक यहां पर छोटा सा पॉइंट और थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके एनालिसिस को और जरा देखते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है उन लोगों के लिए। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर कैटेगरी वाइज अगर यहां पर कट ऑफ जा रही है तो रिजर्वेशन का किस हिसाब से हमको जो है फायदा मिल सकता है। तो एक कुछ बच्चों का यहाँ पर कॉल आया, मैसेज भी आया, जिसमें वे डबल रिजर्वेशन को लेकर के क्वेरी कर रहे थे। तो डबल रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पर एकदम क्लियर कट बात लिखी गई है, लिखा है दोज क्लेमिंग फॉर मोर देन वन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन ओनली वन सच कंसेशन विच इज बी मोर बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल हैं और आप SC कैटेगरी में हैं तो आपका डबल रिजर्वेशन हो गया, एक तो फीमेल होने के नाते और एक SC होने के नाते। तो यहाँ पर आपके लिए जो जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो वाला रिजर्वेशन लगाए जाने की बात करी गई है, चाहे वो SC के लिए हो चाहे वो फीमेल के लिए हो, राइट। यहाँ पर आपको दो नहीं दिए जाएंगे, आप इस बात को समझिए। तो शायद उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों ने मुझसे ये कहा था कि सर इस केस में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, विमेन के केस में एक पॉइंट और ध्यान रखना है। इन केस ऑफ विमेन कैंडिडेट्स द कास्ट सर्टिफिकेट इज इशूड फ्रॉम द फादर साइड एंड ट्रीटेड विद रिगार्ड। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पिता की तरफ से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर वैलिड ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज वैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया। अब इस एनालिसिस में जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन का है वो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं जरा अपने यहाँ पर एनालिसिस को जरा देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अच्छा एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा, एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है जो कि आपको ये लिखा होगा कि कितने परसेंट लोग यहाँ पर पास करने के लिए मिनिमम पॉइंट्स क्या चाहिए। शायद यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यस ये आप ये लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि यदि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 35% मार्क्स चाहिए प्रीलिम में, और अगर इसके अलावा कोई भी दूसरी कैटेगरी के हैं आप तो आपको 40% मार्क्स जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में चाहिए। अगर आपके इससे कम है तो आपकी कॉपी मतलब आपको जो है मेंस के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप मेंस के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो 35% स्कोर करना है, और अगर आप इसके अलावा किसी अलग कैटेगरी में है, जनरल है OBC है, तो आपको 40% मार्क्स लाने। तो हम लोग मोटे मोटे तौर पर 40% के हिसाब से जरा यहां पर एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम 40% की बात कर रहे हैं, 300 का पेपर है, 40% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। 300 का पेपर है, 40% मार्क्स आपको चाहिए यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अब यहां पर किसी भी कट ऑफ को लाने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज 309। सेकेंड, मेंस में कितने लोगों को लिया जाना है, इसके लिए अभी अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया है 13 times of 309। Another important factor is कि कितने कैंडिडेट जो है वो अपियर हुए थे, एंड दैट वॉज अप्रॉक्स 44%, राइट, अप्रॉक्स 44%। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल हेल्प फॉर द टू कैलकुलेट द कट ऑफ, दैट इज वी कैन से लेवल ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ये जो परीक्षा हुई थी इस परीक्षा का जो स्तर था वो कैसा था। तो इस परीक्षा के स्तर, इसमें अपियर होने वाले कैंडिडेट, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से बुलाए जाने वाले छात्रों की संख्या मेंस में, ये सब चीजों पे ध्यान दें। तो ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, ये वाला फैक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। इसको और इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं अगर हम, तो परीक्षा का स्तर जो है वो आपका मॉडरेट से अगर देखा जाए तो टफ लेवल तक था, राइट। अगर मैं सही कह रहा हूं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल तक का यहां पर रहा है ये स्तर, ठीक है। अब अगर ये मॉडरेट से लेकर के टफ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी कैंडिडेट पेपर देने के लिए वहां पहुंचे थे, 2 लाख 2.5 लाख जितने भी बंदे वहां पर पहुंचे थे कैंडिडेट पेपर देने के लिए, उन पेपर देने वाले बच्चों में मान लेते हैं कि 4017 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 40% या फिर 35% स्कोर किया है, तब तो फिर मेरिट यही चली जाएगी, 40% और 35% ही, तब तो मेरिट इसी प्रकार से चली जाएगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये मार्क्स स्कोर किए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कट ऑफ बनेगा
तो उस कट ऑफ में वो ऊपर से 4017 बच्चे जो उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज लेने हैं। अच्छा, वैकेंसी में मैंने भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाया, इस नोटिफिकेशन को आप कहीं तक भी स्क्रॉल करके देख लीजिए, इसमें कहीं भी जो 309 वैकेंसीज हैं उसका ये रिपोर्ट नहीं दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो ये भी एक प्रकार से अंधा तीर लगाना होगा कि सर इसमें इतनी कट ऑफ जा सकती है, उसमें उतनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी यहां पर एक पॉइंट बताया था, और वो ये था कि भाई आप ऑन एन एवरेज ऐसे मान के चलिए, यहां पर अगले पेज में देख लेते हैं कि 120 नंबर तो मिनिमम है, लेकिन अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, तो मैंने जनरल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन जो है 150 मार्क्स ही करी है। मुझे मालूम है कि 150 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग लगभग आपका 150 नंबर आ रहा है, तो 300 का ये आधा है, लगभग 50% हो गया ये। तो मैं 50% लगा रहा हूँ, पास मार्क्स 40% चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर 50% लाना भी बहुत ज़्यादा टफ था। नो डाउट, बिल्कुल टफ रहा होगा, 50% लाना भी बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने कम वैकेंसी है क्या उतने के हिसाब से 50% वाले स्टूडेंट आयोग को नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें वो लोग भी अपीयर हुए थे, ये पेपर यूपीपीएससी ने कराया था, और इसमें वो कैंडिडेट भी जिन्होंने बीएड का एग्जाम दिया है के साथ साथ यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी किए हैं या अपीयर हुए हैं या एक दो बार उन्होंने क्वालिफाई भी किया और इंटरव्यू में फेल हो गए थे या असफल नहीं हो पाए थे, वे सब लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो निश्चित रूप से आयोग को, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरा पूरा प्रेडिक्शन शुरुआत से गलत हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि 50% तक जनरल कैटेगरी को तो वो लेंगे ही लेंगे, ऐसा तो जा ही सकता है 50% के आसपास। सिमिलरली अगर हम अलग अलग कैटेगरीज की बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम 150 से लेकर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 150 मार्क्स से लेकर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल के लिए, तो आप हर एक में 10-10 नंबर जो है वो कम कर लीजिए, 10-10 15-15 नंबर कम कर लीजिए और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप ले लीजिए। अब अगर बात करते हैं आपकी सर किस कैटेगरी से कितने परसेंट लोग या कितने लोग मेंस की परीक्षा में आएंगे, तो ये भी एक तरीके से अंधेरे में तीर लगाने जैसा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी थी ये नहीं स्पष्ट किया गया है आयोग की तरफ से। तो जब ये स्पष्ट नहीं किया गया तो हमको केवल इतना मालूम है कि लगभग 4000 लोग जो है वो लेंगे, 4000 4017, मोटे तौर पर 4000 कह सकते हैं, चाहे जितने लोग अपीयर हुए हों, टोटल मिलाकर के उन्हें 4000 लोगों को यहां पर लेना है मेंस के एग्जाम के लिए। तो कंपटीशन का लेवल जो है अभी भी थोड़ा सा टफ जरूर है निश्चित रूप से, लेकिन रिलैक्स की बात यहां पर यह है कि क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक से अधिक शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी बात नहीं होगी, एक क्लियर कट कट ऑफ आएगा और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है लोग जो है अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि उस वीडियो को आप फिर से देखिएगा जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया है, और ये जो आपके डाउट्स हैं कि सर कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होंगे, क्या चीजें रहेंगी, तो मेरी ख्याल से आपके दिमाग में अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वो जो कट ऑफ वाला वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है, आप उसको भी जरा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से और उसका जो है ध्यान कर लीजिएगा। और अगर आपके स्कोर जो हैं वो 100, अगर आप जनरल के हैं और 150 से एवब स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 150 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। इवन आई कैन से कि अगर आप 130 नंबर भी ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मनाही नहीं है, 130 नंबर में भी आप तैयारी करना शुरू करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा गेम नहीं है कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? क्योंकि कई बार योग्य लोग नहीं मिलते हैं और पद जो है वो खाली रह जाते हैं, चाहे कितने भी कम पद हो या कितने भी ज्यादा हो, तो ऐसे में भी गेम हो सकता है आपका। तो आप तैयारी बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को आप सब लोगों को मालूम है कि 6 दिसंबर को जो है इसका मेंस का एग्जाम होगा, और इसके लिए अभी तक, अभी हमारे पास में आपको मालूम है कि काफी समय बचा हुआ है, सितंबर, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरा हमारे पास बाकी है। और यदि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम आपके लिए मेंस का भी बैच चलाएं, अगर आप चाहते हैं तो कि हम आपके लिए मेंस का बैच चलाएं, तो इसके लिए आप हमको आप हमको अपना नाम और बीईओ लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। अगर यहां पर मेरे पास में 50 स्टूडेंट भी जुड़ गए, अगर 50 स्टूडेंट्स भी मेरे साथ इस नंबर पर जुड़ जाते हैं, तो हम बैच को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, और बैच स्टार्ट करने के लिए हम 7th सॉरी माफ कीजिएगा 1st ऑफ
सितंबर से ये बैच जो है हम शुरू करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो 6-7 दिन बचे हुए हैं, आज 24 तारीख है, और 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में आप ये मैसेजेस हमें कर दीजिए, जिससे कि अगर हमें ये बैच शुरू करना है, यदि अगर हम ये बैच शुरू करेंगे तो आप इसमें आ सकते हैं। मेंस में जीएस और हिंदी दोनों चीजें आएंगी, और दोनों चीजों के प्रिपरेशन कराने की हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप इच्छा है तो अपना नाम और नाम के नीचे बीईओ लिख करके हमें इन नंबरों पर मैसेज करें, तो आपको जो है उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। अगर 50 स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं बैच शुरू कर दूंगा, राइट। ज्यादा बच्चे मुझे नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, अन्य लोगों को जरूर बताइए, जिससे कि अन्य बच्चों के जो कन्फ्यूजन है बीईओ के इस एग्जामिनेशन को लेकर के वो जरूर दूर हो जाए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप जो नंबर मैंने यहाँ पर दिए हुए थे, इन नंबरों पर मुझसे क्वेरी के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।